मैं तो हूँ पागल मुंडा, तू है मेरी सोनी कुड़ी। ओहो मैं तो हूँ पागल मुंडा, वाह 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 वाह, सुबह की सैर और ये पंजाबी गाने, भैया मजा ही आ जाता है यहाँ। अरे झींगा राधु, तुम तो दूसरे गांव में काम के खातिर गए थे ना भैया, ससुराई का मतलब पंचरंगा आचार बनकर आए हो पूरे मतलब। अरे गबरू भाई, हम दोनों तो काम के खातिर दूसरे गांव गए थे, लेकिन वहां के सेठ ने। अबे अपने कासगंज में तो बड़े मिथुन बने फिरते हो हैं, अब क्या टर टर रोए जा रहे हो हैं? ओए झींगा, तुम फुटो अपने इस उल्टी काली हांडी से हैं। पड़ोस के गांव का सेठ वो कंजूस पंसी है, और हम दोनों उसी के घर पर काम किया करते थे, लेकिन काम पर रखने से पहले उसने एक शर्त रखी थी। शर्त? कैसी शर्त? बताओ बताओ। कि अगर हम दोनों अगर अपनी मर्जी से काम छोड़कर गए तो वो हमें कोई पैसा नहीं देगा, और ऊपर से हमारा मुंह काला कर सर मुंडवा के भेजेगा, और अगर सेठ बंसी खुद हमें निकालता है तो वो अपना मुंह काला कर सर मुंडवा लेगा, और ऊपर से पूरे एक साल की तनख्वाह भी देगा। अरे धत तेरे की है, पूरे कासगंज का नाम डुबो दिया भैया तुम दोनों ने तो, ए? दूसरे गांव से सर मुंडवा कर आ गए भैया, बताओ। इतना हवा में मत उड़ो गबरू भाई, उसके यहाँ तो 2 दिन तक काम कर पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक नंबर का कसाई है सेठ, कोहलू का बैल बना कर रखता है। दोस्तों की इस बेइज्जती का बदला तो जरूर लेगा रे तेरा ये गबरू। गबरू तू ठीक तो है ना भाई, तू रहने दे, पहले ही 2.5 फीट की हाइट है, है? सेठ तुझे बुरी तरह से घिस देगा भाई, खत्म हो जाएगा तू पूरी तरह। अबे चुप करो तुम लोग, है चुप। अब देखना ये छोटा पैकेट कैसे तुम्हारा बदला लेगा और कैसे बड़ा धमाका करेगा, बस किसी तरह उसके घर में काम के लिए अंदर एंट्री मिल जाए बस। आज पूरे 3 दिन हो गए हैं और नौकरों को गए हुए, मुझसे सारे घर का काम नहीं होता। अरे इतना क्यों चिल्लाती हो, सुन रहा हूँ मैं, बहरा थोड़ी ही हूँ। तुम फायदा तो सोचो, जब तक यहाँ काम किया एक भी पैसा नहीं दिया मैंने उन्हें, और सारे काम भी करवा लिए। वो तो आप बहुत बहादुरी का काम करते हो, सब जानती हूँ मैं, मुझे नौकर चाहिए बस। अब हाँ हाँ देखते हैं देखते हैं, अगर कोई मेरी शर्तों पर काम करने को राजी हुआ तो। उसके तुरंत बाद बंसी के घर के बाहर गबरू। अरे किसी को ताजे ताजे फ्रेश नौकर की जरूरत हो तो रख सकते हैं, हम नौकरी तलाश रहे हैं, 1 नंबर नौकर, गबरू नौकर, जिसको चाहिए जल्दी बताओ, नौकर रखो नौकर। अरे आपने सुना, बाहर कोई नौकरी की तलाश में घूम रहा है, जाओ जल्दी से। कमबख्त कहीं के, इतनी जल्दी से कहां से नौकर पैदा हो जाते हैं, देखता हूँ। बंसी गेट के पास जाकर इधर उधर देखता है, लेकिन नीचे कम हाइट का गबरू नजर नहीं आता। तुम्हारे कान फड़फड़ा रहे थे क्या, बाहर तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे क्या तुम बाबूराव की तरह इधर उधर झांक रहे हो भाई, अरे नीचे देखो नीचे, हम यहाँ खड़े हैं भैया। अरे आधे ही आए हो क्या यहाँ पे है? अरे अरे आधे कहाँ रह गए भाई। ध्यान से देखिए सेठ जी, जो हूँ जैसा हूँ इतना ही हूँ, बाकी का तो धीरे धीरे दिख जाऊंगा। अच्छा अच्छा, क्या क्या काम जानते हो और तुम्हारा नाम क्या है भाई? नाचीज को गबरू के नाम से जाना जाता है, और हम झाड़ू पोछा, जानवरों की देखभाल, इंसानों की देखभाल, और खाने में दाल भात सब जानते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ काम करने की एक शर्त है, अगर मंजूर हो तो काम शुरू करो, नहीं तो मेरा टाइम खोटी मत करो भैया। अरे अरे सेठ जी आप बताओ तो सही, जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। बिना कुछ सुने ही मंजूर है, एक बार काम शुरू कर दिया तो अगर अपनी मर्जी से भागे तो तुम्हारा सर मुंडवा कर मुंह काला करके बिना किसी तनख्वाह के जाना होगा।
और अगर आपने निकाल दिया तो? अभी एक पर्चा लिख कर रख लो, अगर शर्त के अनुसार मैं तुम्हें निकालता हूँ तो पूरे एक साल की तनख्वाह दूंगा और साथ में अपना सर मुंडवा कर मुंह काला भी कर देना। ये कहीं आपने सेठों वाली बात है, मुझे नौकरी मंजूर है। उसके बाद बंसी गबरू को लेकर घर के बाहर। सुनती हो, देखो तुम्हारा नौकर आ गया। अरे ये किसका बच्चा आ गया यहाँ? अरे भाग्यवान, ये बच्चा नहीं है, ये गबरू है। आज से नौकरी करेगा यहाँ, और वो भी शर्त के अनुसार, समझी? जी समझ गई, लेकिन ऐसा ना हो इसका काम हमें करना पड़े। सेठानी जी आप निश्चिंत रहिए, आज से सारे काम हम ही संभालेंगे। गबरू तुम्हें हमारी रज्जो की सेवा में रहना है और हमारे बच्चों की देखभाल भी, इसके साथ साथ हमारे खेतों के काम भी करने होंगे। हाँ बाकी सब घर के छोटे मोटे काम सब करूंगा सेठ जी, सब करूंगा, बड़े तसल्ली बख्श तरीके से करूंगा। अगले दिन सेठ बंसी अपनी बीवी और बेटे के साथ बैठा होता है। अरे गबरू कहाँ मर गया? अरे आपने बुलाया और हम चले आए। जी सेठ जी बताइए, हुकुम कीजिए। अबे चक्की पांडे के फूफा है, अबे राजू को जोर से पोटी है, घर का संडास खराब है, इसको खेतों में हल्का करवा ला, जा। जैसी आपकी इच्छा सेठ जी, अभी गया समझो, चलो राजू। राजू को साथ खेतों की तरफ ले जाते हुए और ले जाकर एक झाड़ी के पीछे पोटी करने बैठा दिया। इस कंजूस सेठ ने तो राजू को पोटी करवाने को कहा है, सुसु नहीं, कहीं ये कमबख्त सुसु ना कर दे। ओ सुन सुन ए, हाँ राजू के बच्चे, तेरे बाप ने मुझे सिर्फ पोटी करवाने को कहा समझा, अगर गलती से भी तुमने सुसु कर दिया ना तो तेरा सर मुंडवा दूंगा, समझ लेना, सोच लेना, बता रहा हूँ। अरे गबरू भैया, बिना सुसु के पोटी कैसे करूँ, सुसु तो पहले आ रही है। वो तेरी मर्जी है, जैसे मनाए कर, मैं तो शर्त की बात बता रहा हूँ। अब गलती से अगर सुसु निकल गया साथ तो ये मेरे बाल काट लेगा, क्या करूँ? अरे राजू के बच्चे, ओए अगर निपट लिया हो तो चले या फिर यहीं डेरा डालना है। हाँ चलो। राजू घर की तरफ बढ़ने लगता है, तभी पीछे गबरू। देखता हूँ कहीं इस कमबख्त ने एक साथ ही तो सुसु और पॉटी नहीं कर दिया। अरे इस राजू के बच्चे ने तो पॉटी भी नहीं की, खैर कोई बात नहीं। इसके बाद राजू को लेकर गबरू घर आ जाता है। घर पर रज्जो गबरू से। अरे वाह मेरा बेटा राजू आ गया। अरे सेठानी जी, पूरी तसल्ली बख्श तरीके से करवा कर लाया हूँ, आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद बंसी और राजू दोनों बिस्तर पर लेट जाते हैं और थोड़ी देर बाद बंसी को सोते हुए कुछ बदबू आती है और नाक पर हाथ रखते हुए वो उठ खड़ा होता है। अरे रज्जो रज्जो, घर में कुछ जल रहा है क्या? मेरी तो नाक के बाल तक झुलस गए, इतनी गंदी बदबू आ रही है। बदबू तो मुझे भी बहुत आ रही है, इस राजू के बिस्तर से बदबू आ रही है, देखूं तो। चद्दर हटाकर देखा तो राजू ने पूरा बिस्तर गंदा कर रखा है। अरे कमबख्त ये क्या किया, पूरा बिस्तर खराब कर दिया। अबे नामुराद है, गबरू के साथ गया तो था है? सारी वही कर लेता, घर के लिए रखनी जरूरी थी क्या बे? पापा गबरू ने मुझे पोटी करने नहीं दी, उसने कहा कि अगर मैंने पोटी के साथ सुसु किया तो मेरे बाल काट लेगा। इस गबरू की ये मजाक, मेरे लाल को पोटी तक नहीं करने दी, आप अभी इसकी खबर लो। अबे गबरू तेरी तो मैं, इधरा। जी सेठ जी बंदा हाजिर है, हुक्म कीजिए। हुक्म के बच्चे, तुमने राजू को पोटी नहीं करने दी, देख उसने ये सब जगह रायता बिखेर दिया है। सरासर इल्जाम है सेठ जी, देखो तो छी 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 छी, रात की सारे कड़ी चावल बिस्तर पर लाकर रख दिए इस राजू ने तो, छी 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 छी, मैं तो इसे पॉटी करवाने लेकर गया था, इसने पॉटी करी ही नहीं, इसमें भला मेरा क्या कसूर? राजू तो बता रहा था कि तुमने कहा कि पॉटी करते हुए सुसु मत करना वरना तेरा सर मुंडवा दूंगा। जी बिल्कुल सही फरमाया सेठ जी। अबे ढाई बिलांद के हैं कमकल है, बिना सुसु किए पॉटी भला कैसे करेगा वो?
गलत बात है सेठ जी, बात पॉटी करवाने की हुई थी ना कि सुसु की। आपको सुसु की बात पहले बतानी चाहिए थी, आपने जो हुक्म दिया था मैं भला उसे कैसे ना मानता। अबे बेवकूफ, दूर हो जा मेरी नजरों से। ऐसी बात है तो लो जी दूर हो गए दूर। गबरू के जाने के बाद ये किस पागल को रख लिया नौकरी पे, भगाओ इसे यहाँ से। अरे शर्त के मुताबिक इसे भगाने का मतलब है मेरा नुकसान, 1 साल की तनख्वाह और अपने बाल मुंडवाने पड़ेंगे। नहीं नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। इसे कुछ ऐसा काम दो कि ये खुद ही नौकरी छोड़ के भाग जाए। सही कहा रज्जो, इसको तो मैं ऐसा फंसाऊंगा कि याद रखेगा कि सेठ बंसीलाल नाम की भी कोई चीज है। हाँ। अगले दिन। अबे गबरू, ओ गबरू। फरमाइए सेठ जी, बंदा हाजिर है। गबरू एक टोकरा लो और उसमें क्यारी के लिए चिकनी मिट्टी ले आओ जंगल से, मैं काम से जा रहा हूँ। जी सेठ जी जैसा आप कहें, आप तसल्ली बख्श तरीके से हो आइए बाहर से। और हाँ, तुम्हारी सेठानी जैसा कहें ठीक वैसा ही करना, कोई शिकायत ना मिले। जी सेठ जी आप बेफिक्र रहे हैं। उसके बाद गबरू टोकरा और एक कुदाल उठाकर खेतों की तरफ चलता है। ए साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के और तन गया। गबरू तू तो सच में कमाल का सिंगर है रे, चलते हुए बहुत ही दूर आ गए हैं, जंगल ठहरा बहुत दूर। ससुरा यहीं से कंकड़ वाली मिट्टी ले जाता हूँ। गबरू ने वहां से मिट्टी भरी लेकिन उससे टोकरी उठाई नहीं जा रही थी। जैसे तैसे करके उसने टोकरी सर पे उठा ली और घर पहुंचकर सेठानी के सर के पास रखकर, अरे सेठानी जी मिट्टी ले आया हूँ, इसे कहाँ फेंकूं? अरे बेवकूफ, मेरे सर के पास आकर खड़ा हो गया, फेंक दे मेरे सर पे। अच्छा जी ऐसा तो लीजिए। हे भगवान, मार दिया इस बेवकूफ ने। तभी वहाँ बंसी आ जाता है। अरे रज्जो क्या हुआ, यह चोट कैसे लगी? उस देर फूटिए गबरू ने सर पे मिट्टी की टोकरी फेंक दी। अबे गबरू, गबरू। जी आया जनाब, बंदा हाजिर है। अबे गधे, हैं? हमारी रज्जो का सर फोड़ दिया, अब इसकी मरहम पट्टी का भी खर्चा, ये क्या किया तुमने? आपकी आज्ञा का पालन सेठ जी। अबे गधे, मैंने कब कहा ऐसा करने को? आपने ही कहा था सेठ जी, जैसा सेठानी कहे बात माना करना, बस उन्होंने कहा सर पे मिट्टी फेंक दो, मैंने फेंक दी। हाय किस पागल से पाला पड़ गया, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया था। सेठ जी मैं ठहरा मामूली नौकर, भला मेरी क्या मजाल कि मैं आपकी बात टाल सकूं, मैंने तो आपकी और सेठानी की बात ही मानी है, वरना मिला लो पर्चा, शर्त के अनुसार अगर मैंने कोई गलत काम किया तो निकाल दो मुझे। हाँ अरे बस कर ना मुराद, बस कर। तुम तो गुस्सा हो गए, कोई बात नहीं, हल्की फुल्की चोट तो लगती रहती है ना। अगले दिन दोपहर में। अरे गबरू कहाँ रह गया, गबरू? जी सेठानी जी हुक्म कीजिए। सुन ये घर पे नहीं है, देख जरा चौपाल पे बैठे गप मार रहे होंगे, उनसे कहो कि घर में दाल चावल कुछ नहीं है, कुछ पैसे दे दे राशन के लिए। अभी गया सेठानी जी। चौपाल पे सेठ बंसी और दो लोग बैठे गप में लड़ा रहे थे। अरे सेठ जी घर में दाल चावल सब खत्म है, आप कैसे कंजूस आदमी हो, जल्दी से पैसे निकालो, बाजार से सामान लाना है। अबे गधे, हैं? इसमें चिल्ला चिल्ला कर कहने की क्या बात है, हैं? आराम से मेरे कानों में भी तो बता सकता है ना, हैं? सारे गांव में इज्जत का फलूदा निकाल रहा है कमबख्त कहीं का, 4 आदमियों के सामने धीरे बोला कर। ये पकड़ पैसे और जाब यहाँ से, आता हूँ कुछ देर में, चल जा। जैसा आप कहें सेठ जी, अगली बार बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा, बिल्कुल धीरे से बात करूंगा। हाँ। गबरू जैसे ही घर आता है, सेठ बंसी के घर में एक तरफ आग लग गई होती है, सब लोग चिल्ला रहे होते हैं, रज्जो और राजू भी चिल्ला रहे होते हैं। अरे आग लग गई भैया, बचाओ, बुझाओ, कोई आग बुझाओ, आग बुझाओ, कोई आग बुझाओ। अरे बचाओ, अरे बुझाओ, बुझाओ भैया आग को बुझाओ। अरे अब मैं क्या करूं,
मुझे इसकी खबर सेठ को देनी चाहिए। हाँ। गबरू चौपाल पर जाकर सेठ के कानों में, सेठ जी घर में आग लग गई। अबे क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। गबरू दोबारा वैसे ही बोलता है। दो तीन बार ऐसा करने पर, अबे गधे जोर से बोल। सेठ जी घर में आग लग गई है। अबे क्या, घर में आग? बेवकूफ, जोर से नहीं बोल सकता था। सेठ जी आपकी बात मान रहा था, आपने ही कहा था चार आदमियों के सामने धीरे बोला करो, अगर मैं गलत हूँ तो मिला लो पर्चा। सेठ परेशान होकर सर पे हाथ रखता है। उसके बाद दोनों घर पहुँचते हैं। अरे सेठानी तुम ठीक हो ना? सब जल गया जी, देखो ये कमबख्त नौकर आग लगने के बाद भी भाग गया। क्यों बे, तू क्यों भागा, आग क्यों नहीं बुझाई तुमने? हुजूर सच बोल रहा हूँ, मुझे आग बुझानी आती नहीं है। अबे गधे, आग लग जाए तो उस पे मिट्टी रेत पानी जो मिले फेंक दो। जैसा आप कहें हुजूर, अगली बार आग ऐसे ही बुझाऊंगा। अगली सुबह सेठ बंसी नहाने के लिए नल के पास तैयार बैठा था। अरे गबरू, अरे जल्दी से नहाने का गर्म पानी ले आ। जी हुजूर अभी लाया। ये लीजिए सेठ जी। नहाने लायक है ना? अरे उबालने लायक है जनाब। क्या कहा? अरे कुछ नहीं जनाब, 100% नहाने लायक है। जैसे ही बंसी सेठ ने अपने नंगे बदन पर पानी डाला, वो कूदने लगा। अरे अरे मार दिया रे, अरे 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 जल गया रे, अरे मेरे शरीर में तो आग लग गई आग, अरे बचाओ बचाओ। इतना सुनते ही गबरू ने झट से पास पड़ी मिट्टी उठाकर सेठ पर फेंकनी शुरू कर दी, और तब तक मिट्टी और कंकड़ फेंके जब तक सेठ ने चिल्लाना बंद नहीं किया। अरे क्या हुआ जी, अबे गधे तो इनके ऊपर मिट्टी क्यों फेंक रहा है? अजीब परिवार है, है? सेठ जी नहीं कहा था कि आग लगने पर मिट्टी और रेत कंकड़ सब फेंक दो? मैंने कुछ नहीं छोड़ा, अगर मेरी गलती है तो सेठ जी मिलाओ पर्चा, है? निकाल दो मुझे नौकरी से। अबे अबे नहीं मेरे गबरू, अरे तू तो खामखा में गुस्सा हो रहा है। और इतना बोलकर बंसी बेहोश हो गया।